आज मैं आपको विलेज वाला बैगन का भरता बताऊंगी कैसे बनते हैं। ये मैं फ्लेम के ऊपर इसे सेक रही हूँ। ये बैगन है और छोटे वाले बैगन मैंने लिए हैं और ये टमाटर है, इसे सबको मैंने भून लिया है। उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये बहुत टेस्टी होते हैं और विलेज की याद आ जाती है। चूल्हे पर भूनने के बाद इस तरह का दिखेगा और मैं अभी से इसके पूरी स्किन निकाल दूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर इसको मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर बनाइएगा और टाइम भी कम लगता है, हेल्दी भी है। ये तो मैंने ऐसे सीखा हुआ है, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मेरे पापा को बहुत पसंद है, इसलिए मेरी मम्मी बहुत बनाती है ये। आप भी अपने हस्बैंड को ज़रूर खिलाइए बनाकर, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होंगे। ठीक है, चॉप किया हुआ उसमें हम ओनियन डालेंगे और एक चॉप किया हुआ मिर्च चिली डालेंगे, ग्रीन चिली एक कटी हुई, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, सॉल्ट हसबे ज़ायका डालेंगे, जितना आपको लगता है उतना डालिए। और इस भरते की ये खासियत है कि इसमें अगर मास्टर ऑयल ना डालें तो कुछ भी नहीं है, तो मैं वो भी डालूंगी थोड़ा सा। देखिए ये डाला मैंने थोड़ा सा, वो बहुत टेस्टी होती है, इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। पता नहीं किसी को तो अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, भाई मुझे तो बहुत पसंद आती है। और मगर खाने में नहीं, सिर्फ इस तरह के भरते उरते में डालना। और ये लेमन जूस डालेंगे, फिर इनको मिक्स कर लेंगे हम। ये इस तरह से हम मिक्स करेंगे, ये हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है। आज संडे है और मैं चाहती हूँ कि संडे के दिन बच्चों के पसंद का और हस्बैंड के पसंद का बनाना, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैंने उनके लिए स्पेशल बनाया है, आप भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर अपने घर वालों को खिलाएं और खुश करें। और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे मैसेज दें प्लीज़, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा तैयार हो गया, ये हमारे भरते तैयार हो गए हैं। ओके, अब इसे ज़रूर आप तैयार, अब ज़रूर इसे घर पे ज़रूर आप बनाएं।